लो बच्चों, आज हम कादम्बरी के पाठ 3 आहा फूल कितने सुंदर हैं के अभ्यास से बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं उनके कुछ प्रश्न के उत्तर है उनको हम लिखवाएंगे, जो कि प्रश्न 8 है। प्रश्न संख्या 8 दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब यहां दिया हुआ है मम्मी ने चिक्की को क्या समझाया, तो यहाँ उसमें लिखना है मम्मी ने चिक्की को समझाया कि, यहाँ तक लिखा हुआ है, उसके बाद वाले शब्द को वाक्य को लिखेंगे। तो मम्मी ने चिक्की को समझाया, जो खाली जगह है उसी में हम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप खाली जगह है उसमें लिखना है, तो क्या लिखना है, जो शब्द पहले से लिखा हुआ है उसको तो उसमें मिला के पढ़ना ही है, याद भी करना है उसको। तो मम्मी ने चिक्की को समझाया, मम्मी ने चिक्की को समझाया कि बेटी पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। कोई उन्हें तोड़े तो उन्हें भी उसी तरह दुख होता है जैसे चोट लग जाने पर हमें होता है। तो मम्मी ने चिक्की को समझाया, बेटी पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, कोई उन्हें तोड़े तो उन्हें भी उसी प्रकार दुख होता है जैसे चोट लग जाने पर हमें होता है। हम लोगों को जैसे जैसे चोट लगता है उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी चोट लगती है। अब यह रचनात्मक प्रश्न आएंगे, आओ अब कुछ बातें करें। फूल केवल सुंदरता कम है, फूल केवल सुंदरता और सुगंध ही नहीं फैलाते हैं बल्कि कई फूलों से दवाई भी, फूलों को दवाई में भी उपयोग लेते हैं, उनकी उपयोगी चीज बनाते हैं, जैसे गुलाब से जल गुलकंद आदि बनाए जाते हैं, गुलाब के पंखुड़ियों से पत्तों फूलों से बनते हैं। और खम है, इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, सुंदर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सुंदर पत्तियां ऐसे लिख सकते हैं, शुद्ध को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको तो जानकारी लेने की चीज है, जिसको आप जाने कि कौन से शब्द कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे हम लिख सकते हैं इसको देखना है, और गुलाब के फूलों से क्या क्या बनते हैं ये भी है। अब 10वें प्रश्न में है, आओ अब कुछ और भी करें। कम है, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी तो आप खेलते हैं, तो ये शब्दों की अंताक्षरी खेलनी है। शब्दों को आरंभ हम करते हैं, तुम उसे आगे बढ़ाओ। तो जैसे कि इसमें शब्दों को आगे बढ़ाया गया है, फूल ल खत्म हुए यहाँ पे, तो लता यहाँ उसके बाद है लता ता ताला, तो इसी तरह क्रम बढ़ाते जाना है। तो ये आपको 10वां प्रश्न है,
आओ अब कुछ और भी करें। तो दसवां प्रश्न है आओ अब कुछ और भी करें। तो अब कुछ और भी करें में अंताक्षरी खेलना है। तो अंताक्षरी में है आपको फूल लता ताला और उसके बाद खाली जगह है, तो खाली जगह में भरते जाना है। तो इसमें भरेंगे लाल, उसके बाद ल से खत्म हुआ है तो ल ग न, उसके बाद आपको लिखना है न से खत्म हुआ है तो न य न। अब यहाँ न पे खत्म हुआ है तो न म क। अब यहाँ हो गया आपको क से खत्म, क पे खत्म हुआ है तो क म ल। अब यहाँ ल पे फिर खत्म हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे ल ख न। शब्दों की अंताक्षरी के लिए इसमें तो यहाँ न पे फिर खत्म हुआ ल ख न, न पे खत्म हुआ तो न म न। तो आपका ये अंताक्षरी खत्म हो गया, ये आपके शब्द उसमें भरना है, ये हो गए आपके। अब यहाँ हम आएंगे प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न नंबर, प्रश्न का संख्या है 11। तो प्रश्नों की संख्या 11वां है। प्रश्न 11 में इसको किताब में ही आपको बनाने हैं, किताब में आप बनाएंगे। यहाँ प्रश्न क्या कहता है तो देखो और शब्द संकेतों की सहायता से इन दो चिड़ियों की बातचीत पूरी कीजिए। तो यहाँ शब्द संकेत दिए हुए हैं दुख मित्र तोड़ शुद्ध पेड़ पौधे पौधों। तो ये आपकी चित्र संख्या आपको संकेत दिया, शब्द संकेत दिया हुआ है और चित्रों को देखना है शब्द संकेतों के द्वारा। इन चित्रों में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें भरना है कौन सा शब्द कहाँ सूट करेगा, कहाँ पे लगेगा, उसको लगाना है। तो यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको लिखते हैं, आप ध्यान से लिखिएगा, इसी शब्दों में से लेकर लिखना है आपको। चित्र देखो और शब्द संकेतों की सहायता से इन दो चिड़ियों की बातचीत पूरी कर कीजिए। तो यहाँ शब्द है दुख मित्र तोड़ शुद्ध पेड़ पौधों। तो ये आपके शब्द संकेत है, तो शब्द संकेतों के द्वारा ही इसमें भरना है। तो देखो ये बच्चे कैसे कैसे खाली जगह है तो उसमें क्या भरेंगे पेड़ पौधों को
में फिर भरेंगे तोड़ रही है, देखकर बड़ा दुख होता है। ये तो आपके एक हो गए। अब यहां लिखेंगे ये हो गए पहले का। देखो ये बच्चे कैसे पेड़ पौधों को तोड़ रहे हैं, देखकर बड़ा दुख होता है। ये आपका हो गया जो हमको भरना था, तुमने भर लिया। अब यहाँ दूसरे पे ये इसको भरेंगे, जगह बोर्ड पे कम है इसलिए इधर साइड में हम लिख रहे हैं पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। इसमें से शब्द संकेतों में से कौन सा शब्द लिया, मित्र का, मित्र। हमने शब्द संकेत में से ही जो शब्द दिए हुए हैं उसी में से लेकर हम वाक्य को पूरा कर रहे हैं। जो चिड़िया बातचीत कर रही है तो ये पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, वे हवा को, अब फिर हम लिए शुद्ध, कौन सा शब्द लिए, शुद्ध लिए, शुद्ध करते हैं। वे हवा को शुद्ध करते हैं। तो ये आपका हवा भी पूरा हो गया, चिड़ियों की बातचीत पूरी हो गई। तो पहला है देखो ये बच्चे कैसे हमने लिया है शब्द पेड़ पौधों को, फिर लिए इसमें से तोड़ रहे हैं देखकर बड़ा, फिर लिया हमने दुख। तो इस तरह से शब्द संकेतों के द्वारा हम वाक्य को पूरा किए, चिड़िया के बात जो चिड़िया बातें कर रही है उनकी बातचीत को हमने इसमें पूरा किया। आज आपका ये पाठ खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।